आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक पे। पहला, हाउ टू कॉपी अ लिस्ट। जैसे आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है, उसका एक दूसरा कॉपी हम कैसे क्रिएट करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन टू और मोर लिस्ट, कैसे हम दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को ज्वाइन या फिर कॉनकैटिनेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू कॉपी अ लिस्ट। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक लिस्ट है, राइट, विच होल्ड सम स्ट्रिंग, राइट। अब इसका मुझे कॉपी बनाना है। तो सम पीपल व्हाट दे थिंक कि वो ऐसे कर लेंगे, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन एंड दे आर डन, बट दिस इज इनकरेक्ट वे टू डू सो, राइट। मैं बताता हूँ ये इनकरेक्ट क्यों है। इनकरेक्ट इसलिए है कि आप देखो कि लिस्ट वन को मैंने लिस्ट टू को असाइन कर दिया, राइट। तो लिस्ट टू अभी किसको रेफर कर रहा है, रेफर कर रहा है लिस्ट वन को। तो लिस्ट वन में कुछ भी चेंजेज होगा, लिस्ट टू में चेंज हो जाएगा, राइट। दैट आई डोंट वांट, लेट मी शो यू। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिस्ट वन में कुछ चेंज करता हूँ, राइट। इसमें अपेंड मेथड कॉल करता हूँ और इसमें मैं एक लेट से कि 110 ऐड कर देता हूँ, राइट। उसके बाद जब मैं प्रिंट करूँगा लिस्ट वन को और लिस्ट टू को, देखते हैं कि क्या है लिस्ट वन में और लिस्ट टू में। दिस इज लिस्ट वन आई एम प्रिंटिंग एंड अगेन आई एम प्रिंटिंग लिस्ट टू। नाउ इफ आई रन देन लुक एट द कंटेंट। मैंने लिस्ट वन ये था, राइट। लिस्ट वन से मैं एक कॉपी कॉपी बनाना चाहता जो लिस्ट टू है, राइट। तो और लिस्ट वन लिस्ट टू को दोनों को मैंने प्रिंट किया, तो दोनों का कंटेंट सेम है। तो जो चेंज मैंने यहाँ करा वो लिस्ट टू में भी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब लिस्ट टू भी चेंज हो गया। दैट आई डोंट वांट। यदि मैंने कोई कॉपी क्रिएट किया तो लिस्ट वन का जब हम कॉपी क्रिएट किए थे, जितना एलिमेंट्स था उतना ही एलिमेंट्स लिस्ट टू में होना चाहिए था, लेकिन जो एडिशन हुआ वो लिस्ट वन में एडिशन हुआ जो कि लिस्ट टू में रिफ्लेक्ट हो गया, वो मैं नहीं चाहता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए देयर आर कपल ऑफ वेज टू गेट द कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट, राइट। ए अपेंड को तो मैं रहने दूंगा, ए लाइन है इसे मैं कमेंट करता हूँ, दिस इज इनकरेक्ट वे टू गेट द कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। आपको क्या करना है, पहला अप्रोच है कि यूजिंग कॉपी मेथड। जैसे लिस्ट वन का आप कॉपी बनाना चाहते हो, सिंपली यू हैव टू कॉल द कॉपी मेथड। और जब हम ऐसा करूंगा तो लिस्ट टू में कोई चेंज नहीं आएगा। जब लिस्ट टू मैं क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट वन से, तो इतने एलिमेंट्स है ए बी सी डी, राइट। तो आप लिस्ट टू में जब प्रिंट करोगे तो ए बी सी डी ही मिलेगा। उसके बाद लिस्ट वन को जब मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, दैट मॉडिफिकेशन विल बी रिप्लीकेटेड और रिफ्लेक्टेड इन द लिस्ट वन ओनली, राइट। तो उसमें ए बी सी डी 10 मिलेगा। लेट मी शो यू एंड हियर इज द रिजल्ट। आप देख सकते हो कि लिस्ट वन हैज बीन मॉडिफाइड, राइट। हमने 10 ऐड किया तो लिस्ट वन ए बी सी डी 10 प्रिंट कर रहा है, लेकिन लिस्ट टू है, राइट। लिस्ट टू जब हम लिस्ट वन से कॉपी बनाए थे उस समय ए बी सी डी ही सिर्फ था, तो ए बी सी डी ही रह गया। तो इस तरह से दिस इज द फर्स्ट अप्रोच टू गेट द कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट यूजिंग कॉपी मेथड। अब हम सीखेंगे सेकेंड अप्रोच क्या होता है, राइट। तो सेकेंड अप्रोच करने से पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सेकेंड अप्रोच वेरी सिंपल, आपको लिस्ट टू वेरिएबल देना है और यहाँ पे क्या करना है, एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, राइट, वो यूज करना है। तो मैंने लिस्ट दिया और एक बेसिकली लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वहाँ, और लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जिसका कॉपी आपको क्रिएट करना है उस लिस्ट को पास कर देना है। दैट्स इट, यू आर डन, दिस इज द सेकेंड अप्रोच। लेट मी शो यू एंड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली सेम, राइट, जैसे हमने कॉपी के थ्रू क्रिएट किया था। तो ये दो अप्रोच है जिसके थ्रू आप एग्जिस्टिंग लिस्ट का कॉपी बना सकते हो, राइट। तीसरा अप्रोच भी हो सकता है जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच आई वुड से, कि आप एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लो, फिर इस लिस्ट को इटरेट करो और हर एक आइटम को उस लिस्ट में ऐड कर दो। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट अप्रोच, क्योंकि वो अप्रोच एक तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द कोड होगा, अननेसेसरी यू आर इंक्रीजिंग द कोड साइज। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट अप्रोच। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड विल सी कि हम दो या दो से ज़्यादा लिस्ट मेरे पास है, उसे मुझे ज्वाइन करना हो या कॉनकैटिनेट करना हो तो कैसे करेंगे, राइट। तो इसके लिए मुझे लिस्ट क्रिएट करने होंगे। लेट्स से कि मेरे पास लिस्ट है लिस्ट वन, और लेट्स से कि मैं लिस्ट टू क्रिएट करता हूँ। लिस्ट टू में मैं देता हूँ लेट्स से 10, 20, 30, राइट।
तो मेरे पास दो लिस्ट है, इन दोनों को कॉनकैटिनेट या इन दोनों का मर्ज करना भी कह सकते हो, मर्ज या ज्वाइन कैसे करेंगे, सब एक ही बात हुआ, ज्वाइन करना, कॉनकैटिनेट करना या कॉनकैटिनेट करना, ज्वाइन करना या मर्ज करना, राइट, कैसे करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके मैं तीसरा लिस्ट बनाना चाहता हूँ, हाउ आई कैन डू दैट। तो इसके लिए भी मैं दो अप्रोच मेनली बताऊंगा जो रिकमेंडेड अप्रोच है। एक अप्रोच है जो थर्ड अप्रोच है वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड अप्रोच। तो बात करते हैं रिकमेंडेड अप्रोच के बारे में। पहला अप्रोच ये है कि आप यूजिंग प्लस ऑपरेटर यू कैन कॉनकैटिनेट टू और मोर लिस्ट। जैसे मैं दिया लिस्ट थ्री या लिस्ट देता हूँ, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू एंड वी आर डन। अब मैं इसे प्रिंट करूँ, जैसे लिस्ट वन को, तीनों लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट को प्रिंट करो, विच इज आर फाइनल लिस्ट, राइट। एंड इफ आई रन द प्रोग्राम देन हियर यू कैन सी द रिजल्ट। लिस्ट वन एज इट इज प्रिंट हुआ, लिस्ट टू भी एज इट इज प्रिंट हुआ, और लिस्ट जो फाइनल कॉन्कैटिनेशन या मर्ज करने के बाद जो बना है लिस्ट, आप देख सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आए, पहला लिस्ट से, और ये सारे एलिमेंट्स आए दूसरे लिस्ट से, तो मर्ज हो चुका है, राइट, या कॉन्कैटिनेट हो चुका है। गुड थिंग इज दैट कि इस तरह का अप्रोच यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा भी लिस्ट हो तो काम करेगा। लेट से कि मैं थर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, आई वुड से लिस्ट थ्री इक्वल टू पहला पी, एक स्ट्रिंग ले लिया, दूसरा ले लिया क्यू, राइट। ऑफकोर्स यू कैन ऐड मोर आइटम्स। अब नेक्स्ट लिस्ट को इसमें ऐड करना हो या मर्ज करना हो या कॉनकैटिनेट करना, सिंपली प्लस साइन देकर वो लिस्ट का नाम दे देना है, राइट। और यहाँ पे मैं लिस्ट थ्री भी प्रिंट कर दूँ, आई वुड से लिस्ट थ्री। तो आप देखेंगे कितनी आसानी से ये ज्वाइन हो गया है, सारे तीनों के तीनों लिस्ट ज्वाइन हो गए, राइट। सिंपली प्लस करना है, लिस्ट ऐड करते जाना है। तो यूजिंग प्लस ऑपरेटर यू कैन कॉनकैटिनेट टू और मोर लिस्ट, राइट। दिस इज द वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू डू सो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, राइट। नेक्स्ट अप्रोच में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक्सटेंड मेथड का यूज करके हम एक से ज़्यादा लिस्ट को हम मर्ज कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, लेट मी शो यू। आई वुड नॉट से ड्रॉबैक, बट दिस इज द अनदर अप्रोच टू बेसिकली मर्ज और कॉनकैटिनेट लिस्ट। यहाँ क्या होगा कि इस केस में क्या हुआ कि लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, ये तीनों मॉडिफाई नहीं हुआ, राइट। ये तीनों को कनकैटिनेट करके या मर्ज करके हमने जो चौथा लिस्ट, फाइनल लिस्ट बनाया उसे प्रिंट करा, राइट। लेकिन ये तीनों अनचेंज रहा। लेकिन जब हम एक्सटेंड यूज करेंगे तो उसमें आपका जो जिस जिस जैसे मैं यहाँ करता हूँ लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, राइट, और यहाँ पास करता हूँ लिस्ट टू, राइट, फिर से मैं करता हूँ लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड और लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, राइट, लिस्ट थ्री। तो यहाँ मेरा क्या इंटेंशन है, मैं ये बोल रहा हूँ कि लिस्ट वन पे मैं एक्सटेंड मेथड कर रहा हूँ और पास कर रहा हूँ लिस्ट टू। तो मैं लिस्ट वन को लिस्ट टू से एक्सटेंड कर रहा हूँ, मीन्स लिस्ट वन तो ए है, इसमें मैं लिस्ट टू के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहा हूँ इस लाइन। फिर अब यहाँ पे इस लाइन में क्या होगा, लिस्ट वन में ये सारे एलिमेंट्स होंगे लिस्ट वन और लिस्ट टू के। अब फिर से मैं एक्सटेंड कॉल करके लिस्ट थ्री कॉल रहा हूँ, तो फिर से वो लिस्ट थ्री भी ऐड कर देगा। इस केस में क्या होगा कि लिस्ट वन आपका प्रिंट करोगे तो उसमें ए बी सी डी 10, 20, 30 पी क्यू ये सारे मिलेंगे। तो इसमें लिस्ट वन मॉडिफाई हो गया, लेकिन प्रीवियस अप्रोच में लिस्ट वन मॉडिफाई नहीं हुआ था आपका, राइट। तीनों का कनकैटिनेशन से आपको एक थर्ड लिस्ट मिला था, लेकिन इस केस में आपका ये जो जो जिस पे हम एक्सटेंड कर कॉल कर रहे हैं जिस लिस्ट पे, वो चेंज हो जाएगा आपका। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं आपका लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री प्रिंट कर रहा हूँ। सो यू विल फाइंड कि लिस्ट टू और थ्री तो अनचेंज रहेगा, लेकिन लिस्ट वन चेंज हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो लिस्ट वन चेंज हो गया, विच इज द कॉनकैटिनेशन ऑफ लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, राइट। लेकिन लिस्ट टू और लिस्ट थ्री एज इट इज है, राइट। तो ये चीज़ आपको आपके यूज केस पे भी डिपेंड करता है, राइट। इफ इफ योर यूज केस सेज कि लिस्ट वन में मैं
लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री तीनों के एलिमेंट्स को चाहता हूँ, राइट। आई एम ओके विद दिस कि लिस्ट वन मॉडिफाई भी हो गया चलेगा, लेकिन लिस्ट टू, लिस्ट थ्री आई डोंट वांट मॉडिफाई, तो यू कैन गो फॉर दिस अप्रोच। बट दिस इज ऑल्सो अ वे टू एक्सटेंड और मर्ज मोर देन टू और मोर देन टू लिस्ट, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड अप्रोच का, राइट, व्हिच इज बेसिकली नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में क्या कर सकते हो कि लेट्स से कि लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, राइट। तो पहला तरीका है कि एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करो, फिर इसको इटरेट करो, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो, फिर इसको इटरेट करो, फिर इसी तरह से इटरेट करो, तीनों को अलग अलग इटरेट करो फॉर लूप से और ऐड करते जाओ। और दूसरा तरीका है कि इसमें लिस्ट वन में लिस्ट टू, लिस्ट थ्री के एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट टू को इटरेट करना है, लिस्ट वन में अपेंड मेथड को बार बार लूप में कॉल करना है, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो, फिर लिस्ट टू को इटरेट करो और अपेंड मेथड लिस्ट वन पे कॉल करते जाओ और ऐड करते जाओ, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, राइट, एंड अननेसेसरली यू आर इंक्रीजिंग द बेसिकली कोड कम्प्लेक्सिटी। तो आई वुड नॉट से कि ये अप्रोच आप बेसिकली अडॉप्ट करो। ऑलरेडी हमारे पास API है या फंक्शंस है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग फंक्शंस या मेथड्स होते हैं दैट इज डेवलप्ड बाय द पाइथन डेवलपर और पाइथन कम्युनिटी एंड दैट इज वेल टेस्टेड। सो परफॉर्मेंस वाइज भी API या फंक्शंस काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, तो हमें हमेशा रिलाई करना चाहिए एग्जिस्टिंग जो फंक्शंस है पाइथन लाइब्रेरी के अंदर, उसे ही यूज करना चाहिए रेदर दैन राइटिंग सम कोड फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादातर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।